वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में क्लास के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोटाइप के बारे में देखा था, बस उसको ही एक्सटेंड किया गया है इसमें, इसको क्लास में प्रोटोटाइप को। तो चलो देखते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लिया है ना, abc.html, और उसको उसमें हमने एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ऐड कर लिया, उसका नाम क्या है, fifth.js। ये हमारा fifth.js है, ठीक है, इसमें हमने ऐड कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक। तो ठीक है हमने ऐड कर लिया fifth.js को, हमने ऐड कर लिया abc.html में एक fifth.js की फाइल को ऐड कर लिया। इसमें हमने इस js में हमने किया कि क्लास बनाई, एक हमने क्लास बनाई, ठीक है, उसको ब्रैकेट को स्टार्ट किया, क्लोज किया, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, पर्सन नाम की क्लास, उसका ओबीजी नाम का ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को जस्ट हमने प्रिंट किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो इसकी आउटपुट आ रही है, जे वाली, तो ये हमारी पर्सन क्लास, तो उसका जे ओबीजे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनता है, ठीक है, उस प्रोटोटाइप में कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद प्रोटोटाइप, जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप होता है, ठीक है, जिसमें बाय डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है। हम मतलब जो क्लास होती है साड़ी, हमारी जो क्लास होती है उसमें उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको प्रिंट करवाया, सिंपल क्लास। ये क्लास किससे बन गया है, प्रोटोटाइप से, ठीक है। तो सिंपल था, ये क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट, उसको प्रिंट करवाया, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसको देखते हैं फर्स्ट, इसको जहाँ पे फर्स्ट ऐड करते हैं, first.js, ठीक है, इसको सेव किया मैंने। तो अब इसको रीलोड करते हैं, तो रीलोड किया, क्या हुआ सभी प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है, first.js में, ठीक है। देखो जो भी क्लास होती है उस क्लास में तीन तरह के मेथड होते हैं, तीन तरह के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, इसको मेथड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके बाद प्रोटोटाइप फंक्शन, उसके बाद स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, ये फंक्शन तब कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल बनता है, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। जैसे जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको मेमोरी मिलेगी। अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन ना हो तो इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिल सकती। जो हमने पहले वाला प्रोग्राम था ना, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, जब किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, जो भी इंजन होगा इसका, वो अंदर से खुद से कंस्ट्रक्टर बना लेगा, तो हमने देखा भी था। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं, अगर हमने देखो इसमें हमने कंस्ट्रक्टर खुद बनाया है, पर इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, जब कोई भी कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते तो इंजन खुद अंदर से कंस्ट्रक्टर बना लेता है, ठीक है। इसको तो अभी मैंने फिफ्थ का इसको ऐड कर लिया, ठीक है, तो इसको रीलोड करता हूँ मैं। तो अभी इसमें कोई कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया, तो कंस्ट्रक्टर खुद से बन गया, इंजन ने खुद बना लिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो C++ में हो, वो जावा में हो, वो C# में हो, कोई सी भी लैंग्वेज में जहाँ क्लासेज यूज़ होती हैं, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आ जाओ इसमें कि जो कंस्ट्रक्टर, इसको वाई, इसको जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इंस्टांस भी, और लैंग्वेज में इंस्टांस फंक्शन बोला जाता है इसको, इंस्टांस मेथड। तो जे प्रोटोटाइप मेथड इसको बोलेंगे कि जे मेथड कहाँ आ जाएगा, प्रोटोटाइप में आ जाएगा, और ये वाला जो स्टैटिक मेथड होगा, स्टैटिक फंक्शन होगा, जो क्लास के नाम से कॉल होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये फंक्शन तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो इसको हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आप अगर नहीं भी करना चाहते कोई चक्कर नहीं है, अब ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो जब हमारे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जब हमारा ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना, तो न्यू पर्सन एक क्लास है, तो इससे जहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसको हमने क्या किया, एक आर्गुमेंट पास किया, जावा कंप्यूटर हमने एक आर्गुमेंट पास किया। जावा कंप्यूटर कहाँ पर जाएगा, इस एन में चला जाएगा, ठीक है, उस इस जे वाला एन इस डॉट नेम में इसको स्टोर कर देगा, इस एन की वैल्यू दिस डॉट नेम में चला जाएगी, और इसको हम प्रिंट करा देंगे और कुछ नहीं, कि जब जे ऑब्जेक्ट बनेगा, जब जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो जब जे ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर की वजह से ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, ठीक है।
तो इस जो n की वैल्यू दिस डॉट नेम, एक नेम हमने वेरिएबल बना लिया, सॉरी फील्ड बना लिया, उसके वैल्यू चले गए और उसको हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, जय हो गया। उत्तर ओबीजे डॉट से हाई, उसके ओबीजे डॉट से हाई, तो हमारा जो ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है इसके साथ ही ये वाला हमारा मेथड जो फंक्शन है कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्टैटिक है, तो स्टैटिक कैसे कॉल होगा, जो स्टैटिक कॉल होगा वो क्लास के नाम से कॉल होगा, जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं, जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो कैसे कॉल होते हैं, क्लास के नाम से, वो सी प्लस प्लस में हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो कैसे कॉल होते हैं, क्लास के नाम से, ठीक है। पर्सन, पर्सन एक क्लास है, पर जे हेलो, हेलो एक फंक्शन, पर्सन डॉट जे वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको, सेव किया हमने, जहाँ फर्स्ट लिख दिया फिफ्थ, ठीक सेव किया मैंने इसको, तो अभी इसको देखते हैं, ठीक है, जे हो गया। तो पर्सन, ठीक है, प्रोटोटाइप, तो से उसके उसमें जे आ गए, ठीक है, देखो जैसे हाई मतलब जो प्रोटोटाइप, जो प्रोटोटाइप में ऑटोमेटिकली आके सेव हो गया, ठीक है। आपको कहीं पे भी वो वाला जो जे वाला फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जो जे वाला हमारा इस हमारा जो हेलो फंक्शन है वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जे कहीं पे भी आके सेव नहीं होगा। प्रोटोटाइप ये फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर, तो वो प्रोटोटाइप में आके सेव नहीं होता, वो क्लास लेवल का फंक्शन होता है, वो मेथड होता है, वो स्टैटिक, जो स्टैटिक मेथड जो फंक्शन होता है वो कैसे कॉल किया जाता है, क्लास के नाम से, ठीक है। अगर कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी हो, ये हमारी जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है, ये भी क्या, इसको भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लास के नेम से, इसको ऑब्जेक्ट के नेम से हम कॉल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर्सन हमारी क्लास है, एस नेम हम एक प्रॉपर्टी, उसमें हमने जो वैल्यू स्टोर कर दी है नूर कौर करड़ा, ठीक है। ये वाले प्रॉपर्टी हमने इसको स्टोर, ये वाली वैल्यू एस नेम में, एस नेम की जो प्रॉपर्टी है इसमें हमने ये वाली वैल्यू स्टोर कर दी, उसको हमने प्रिंट करवा दिया, सेव किया हमने। तो अभी रीलोड करते हैं, तो ये देखो नूर कौर करड़ा आ गया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आपने स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो आपका आपको क्लास का नेम यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे कॉल होता है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प से ही ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है। अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिलेगी, तो आपका आपकी क्लास जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तीन तरह के फंक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, प्रोटोटाइप फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, उसके बाद इसका आगे वाला देखते हैं हम, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे इसका इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लास का जो जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होती है, जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करे, एक्सटेंड करे, तो हमको उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो चाइल्ड है, उसका सन है, वो इनहेरिट करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको वो प्रॉपर्टी मिलती है। अपने फादर की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो सन होता है, उसका जो बेटा होता है, उसको वो मिल जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिट, ठीक है। इसी तरह से हमारी पर्सन एक क्लास है, उसको इनहेरिट किया, एक्सटेंड किया चाइल्ड क्लास ने, जितने भी इसकी प्रॉपर्टी है, जिसमें इसके फंक्शन है, इसके प्रॉपर्टीज है, वो सभी इसमें आ जाएंगे, वो यूज़ कर सकता है चाइल्ड, ठीक है, वो क्या कर सकता है, चाइल्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब एक क्लास बनाई हमने पर्सन, उसका कंस्ट्रक्टर, उसका से हेलो हमने प्रोटोटाइप फंक्शन सेव कर दिया उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास बनाई हमने, क्लास चाइल्ड और एक्सटेंड किया, तो उसको इनहेरिट कैसे किया जाएगा, एक्सटेंड्स, ठीक है, एक्सटेंड, ठीक है, पर्सन, पर्सन हमारी क्लास, उसको हमने एक्सटेंड कर लिया, तो उसके बाद इसका भी हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर को कमेंट बना देता हूँ, कमेंट बना दिया मैंने। कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, नॉन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट क्या होती है, जो स्टेटमेंट नहीं चलती, इसको मैंने बना दिया कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जब देखो, हम चाइल्ड का हम क्या बनाएंगे, हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे, ठीक है, चाइल्ड, तो इसका कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मेमोरी में खुद जो जावास्क्रिप्ट इंजन है इसका कंस्ट्रक्टर को बना देगा, और उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस कंस्ट्रक्टर को जो वैल्यू पास कर देगा, जहाँ पे एन कर देते हैं हम, ठीक है, इसको करते हैं सेव, जहाँ पे हम सेकंड लिख देते हैं, सेकंड, सेकंड लिख दिया, इसको सेव किया मैंने,
अब इसको रीलोड करते हैं, ठीक है, हो गया। तो जावा कंप्यूटर, अभी इसको प्रिंट करवाते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो इसको कराते हैं प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ओबीजे, ठीक है, इसको हमने किया सेव। अभी इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आ गया चाइल्ड, चाइल्ड में वैल्यू चल गई। तो उसके बाद पर्सन प्रोटोटाइप, ठीक है, उसके अंदर चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ने भी बना तभी उसने बना दिया चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फंक्शन आ गया, जो भी फंक्शन हमने दिए कंस्ट्रक्टर, जब देखो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर हमने नहीं भी बनाया तभी भी उसने अंदर से चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बना दिया, कि जब तक कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा ना जब तब तक उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिलेगी। जय देखो, देखो चाइल्ड ये कंस्ट्रक्टर है, किसका कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, ये तो हमने बनाया ये खुद बना लिया जावास्क्रिप्ट के इंजन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटोटाइप, उसके बाद पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर जो हमने खुद बनाया, ठीक है, कि विदाउट कंस्ट्रक्टर आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिल सकती, ये बात का ध्यान रखना आपने हमेशा, ठीक है। तो जहाँ तो हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है दिया तो बाय डिफॉल्ट उसने मेमोरी में कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो बना के उसके बाद ऊपर वाले को कॉल कर दिया। सबसे पहले उसने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में चला गया, इसको कॉल किया, इसके देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसको जो भी एन में वैल्यू आई और दिस डॉट नेम में स्टोर कर दी, उसको हमने प्रिंट कर दिया, बस डैट्स इट। तो देखते हैं शुरू से, जहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बना, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं है वो मेमोरी में बन गया, तो मेमोरी में बना के कंस्ट्रक्टर को, और फिर उसने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जिसको भी इनहेरिट कर रहा है, पर्सन क्लास के, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा है, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ये वाली जो हमने वैल्यू पास की थी, कौन सी वैल्यू, जावा कंप्यूटर, तो ये वाली वैल्यू उसने एन को पास कर दी, एन ने दिस नेम को दे दिया, दिस नेम को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट करवा दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जहां पे आएगी एक एरर, तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, ये देखो एरर आ गई कि हमने जो हमारा पेरेंट क्लास का जो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कैसे कॉल किया। तो अब जब हमने जहां से अब अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया ना, तो उसको स्पेशल हमें कॉल करना पड़ेगा। जब हमने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया ना, तो जो हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, उसको हमें स्पेशल कॉल करना पड़ेगा, उसको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। जब तक हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, वो खुद कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा था, क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था, वो खुद कॉल कर रहा था चाइल्ड क्लास के थ्रू। अब हमने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया, अब हमें इसे कॉल करना पड़ेगा खुद मैनुअली। तो ये देखो हमने, उसके लिए कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुपर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड, उसको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, तो हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जावा कंप्यूटर, इसमें वैल्यू चल गई एन में, और इसमें हमने सुपर को कॉल कर दिया। सुपर क्या है, बेस क्लास का, पेरेंट क्लास का, पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो उसके सुपर पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो कंट्रोल हमारा जहाँ आ गया, जो भी एन में वैल्यू थी उसे एन में आ गई, इसमें दिस डॉट नेम दे दिया, इसको हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इसको रीलोड करता हूँ अभी, तो ये देखो चल पड़ा, ठीक है, हो गया। तो उसके बाद हम इसको कॉल करते हैं उस फंक्शन को भी, तो अभी जी देखते हैं क्या हो रहा है। तो और कुछ नहीं हमने, तो इस हमने क्या किया, से हाय एक फंक्शन बनाई है प्रोटोटाइप, से हाय हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको हमने कॉल किया, कहाँ से कॉल किया, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स की, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल कर सकते हैं। हमने देखो ये जो फंक्शन है, किस क्लास का फंक्शन है, पर्सन क्लास का फंक्शन है, इसको हम कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के फंक्शन से, सॉरी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल कर सकते हैं। कोई जितनी पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने इसके फंक्शन हैं, जितने इसकी प्रॉपर्टीज, वो यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ कर सकता है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हमने चाइल्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट बना उसके से हाय हमने कॉल कर लिया, वो चल पड़े। इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको ठीक है, तो हम अगर हम ये एक मिनट होल्ड रखना, ठीक है, चल पड़ा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो को भी कॉल करना चाहिए, हो जाएगा इसका, तो वो जो शो फंक्शन है, जो शो मेथड, वो तो चाइल्ड क्लास का है, वो तो हो जाएगा इससे कॉल, ठीक है, उसका मसला नहीं है। तो ये भी हो जाएगा,
तो उसके बाद अगर हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अगर हमने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बेस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट कोई फंक्शन कॉल करना है, जैसे हमने जहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसको हम बना दें कमेंट। अगर हमने बेस क्लास का जहाँ अपने जो पेरेंट क्लास है उसका हमने कोई फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए हमें सुपर कीवर्ड लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट से आई इस तरह से कॉल हो जाएगा, ठीक है जी, हो गया, ठीक है हमारा साइज हाई जावा। इसको हम, इस लाइन को भी हम कमेंट बना देंगे, तो इस लाइन को भी हम कमेंट बना देंगे। अभी देखते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं, देखो हाई जावा माहिल पर हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉल हो रहा है, सुपर से हाई से कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर हमने क्या करना है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट को कॉल करना है अपने कंस्ट्रक्टर से, ठीक है, अपने कंस्ट्रक्टर से या किसी भी फंक्शन से कॉल करना है उसी सेम क्लास का, तो हमें कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा दिस, जैसे दिस में दिस कौन सा, दिस डॉट शो, इस तरह से ये कॉल हो जाएगा, ठीक। सेम क्लास का हमने उसी क्लास में रह के अगर कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तो ये देखो दिस इज अ शो फंक्शन, ठीक है, दिस लगाया, दिस डॉट शो इसमें कॉल हो जाएगा। अगर हमने बेस क्लास का पेरेंट क्लास का फंक्शन को यूज़ करना है कॉल करना है तो सुपर लगाना हुआ है, तो अगर सेम क्लास का हमने फंक्शन कॉल करना है जिस क्लास में फंक्शन हो या कंस्ट्रक्टर हो तो हमने सुपर कीवर्ड लगा के कर लेना है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं हमने कंस्ट्रक्टर में ही लगाना है, इसको आप शो फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, शो फंक्शन में आके सुपर डॉट फंक्शन का नेम दे दोगे सी आई तो हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, तो सुपर भी हो गया, दिस भी हो गया। अगर आपने इसमें यूज़ करना है इस जो दिस डॉट नेम, अगर इसको इसमें आप यूज़ करना चाहते हो आप दिस डॉट नेम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने प्लस किया दिस डॉट नेम, तो दिस डॉट नेम भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो शो कॉल हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, एक मिनट चाहिए, देखो जावा कंप्यूटर नीचे से वैल्यू आ गई कि अगर आपने इस पर्सन क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो उसके लिए हमने नेम प्रॉपर्टी यूज़ की, तो नेम प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, दिस दिस डॉट नेम। अगर हम पेरेंट क्लास या सेम क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें दिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम सुपर, हमने पेरेंट क्लास के फंक्शन को मेथड को कॉल करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सुपर लगाना पड़ेगा। अगर हम सेम क्लास के मेथड को जहाँ भी हमारा मतलब सेम जैसे कंस्ट्रक्टर में सेम क्लास जो हमारे कंस्ट्रक्टर से हमने सेम क्लास का फंक्शन यूज कॉल करना है, जैसे शो फंक्शन कॉल करना है, उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दिस, ठीक है, जो दिस और सुपर, ठीक है, ये दो हमारे मतलब मेन एक कीवर्ड है, तो इसको ध्यान से देख लेना थोड़ा सा, आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो फिर भी आपको दिक्कत हो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। अगर तक अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक आपने देखा होगा, अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है C++ जावा कुछ भी अगर पढ़ रखा है तो आपको प्राइवेट के पब्लिक के बारे में मालूम होगा। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट वो चीज़ होती है जो क्लास के बीच ही यूज़ हुए, क्लास की बॉडी के बीच को बीच में जिसे हम यूज़ कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं प्राइवेट। पब्लिक वो क्या होता है, पब्लिक वो चीज़ होती है जो जिसको हम किसी भी कहीं पे भी यूज़ कर लें, ठीक है। तो प्राइवेट जो हमारे जब हम किसी प्रॉपर्टी किसी वेरिएबल के आगे हैश लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्राइवेट। तो कंस्ट्रक्टर से पहले हमने एक वेरिएबल लिया प्रॉपर्टली, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी, तो हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जावा कंप्यूटर, इसमें एन को पास कर दिया, एन से हमने एक प्राइवेट वेरिएबल को दे दिया, उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है बाद में। तो ये हमारा एक प्राइवेट फंक्शन हो गया, एक प्राइवेट फंक्शन, तो इसको हम मतलब बाहर से कॉल नहीं कर सकते। अगर हम ये देखो हम जहाँ से कॉल करने की ट्राई करें इसको, तो जहाँ से ट्राई करें कॉल करने की, तो पहले हमें जो हमारा थर्ड जहाँ पे थर्ड लिखना पड़ेगा उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड लिख दिया हमने, सेव किया, तो ये देखो एरर आ गई, प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है, प्राइवेट फील्ड, इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, प्राइवेट है, ये हमारा क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट फंक्शन है से हाई, तो इसको हमने इस क्लास के बाहर से हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, जो प्राइवेट मेथड होता है, जो वेरिएबल होता है, जो फील्ड होती है, उसको हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हम इस जहाँ पे इसको भी
कमेंट बना देते हैं, ठीक है। अगर हम क्या चाहें, इस जो हमारा नेम है, एक नेम फील्ड है, जे भी एक प्राइवेट है, इसको हम क्लास के बाहर से एक्सेस करने की ट्राई करें, ठीक है। जे भी क्लास की बॉडी तो जहाँ बंद हो रही है ना, तो सेव किया मैंने, तो सेम एरर आ रहा है, नेम मस्ट बी डिक्लेयर इंक्लूड क्लास, ठीक है। मतलब जो क्लास के जो प्राइवेट हमारे प्राइवेट होते हैं ना, उसको हम क्लास से बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम जहाँ से इसको हटा दूँ मैं, तो फिर ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि अब क्या बन गया, पब्लिक, पब्लिक को कहीं से भी हम कॉल कर सकते हैं। तो इसको हमने रिमूव किया, तो अभी इसको करते हैं सेव, इसको रीलोड करता हूँ। ये देखो कॉल हो गया, हाय जावा माहिलपुर, ठीक है। अब इस वेरिएबल को भी यूज़ करते हैं, तो इसको भी मैं कमेंट बनाता हूँ, अगर कमेंट नहीं भी बनाता तो ठीक। तो इसको भी अभी हम एक्सेस करते हैं, हो रहा है कि नहीं देख रहे हैं, जहाँ भी हमने हैश को हटाना पड़ेगा, तो सेव किया, तो ये देखो जावा माहिलपुर, जावा माहिलपुर, ठीक है, हो गया। तो मतलब प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट फील्ड और प्राइवेट फंक्शन कौन से होते हैं, जिसको हम क्लास के बीच ही यूज़ करें, ठीक है। अगर सपोज करो आपने, आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट हो, तो फिर कैसे चलेगा। अगर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ही प्राइवेट है, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक फंक्शन, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करेंगे, स्टैटिक एवीसी नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसके बीच से हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो चलो लेट अस सी, देखते हैं हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉपी किया मैंने, पेस्ट करते हैं, तो अभी हो रहा है कि नहीं, देख सेव किया मैंने, फ्रेंड मे नॉट बी प्राइवेट मेथड, मे नॉट बी कि कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर मे नॉट बी प्राइवेट, जो क्लास का कंस्ट्रक्टर वो प्राइवेट हो ही नहीं सकता। ये बात भी क्लियर हो गया आज कि जो क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो हो ही नहीं सकता कि वो प्राइवेट हो। देखो एक और बात क्लियर हो गई आज, ठीक। तो इसको भी कमेंट बनाते हैं हम, इसको सेव किया, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। चलो हो गया, मतलब कि जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट नहीं हो सकता, ठीक है। आपने प्राइवेट करने की कोशिश की, वो प्राइवेट नहीं हो सकता। आपने प्राइवेट फील्ड करके देख लिए, प्राइवेट फंक्शन करके देख लिए, और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर करके देख लिए, जो नहीं हुआ, ठीक है। जो भी हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट और पब्लिक भी हो गया। मेन तो हमने क्या करना था, प्राइवेट फील्ड और प्राइवेट फंक्शन, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट फंक्शन को कॉल करना है, तो स्टैटिक मेथड के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जैसे जे हम कंस्ट्रक्टर तो नहीं हुआ, अगर प्राइवेट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो वो जहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, से हाई करके देखते हैं, से हाई। तो सभी को बना दिया कमेंट, सेव किया मैंने इसको, प्रिंट हो रहा है कि नहीं, हैश से हाई, से हाई, एरर क्या दिखा रहा है। तो हम इसको तो कॉल ही नहीं कर रहे, कॉल ही नहीं कर रहे हम तो इसको, भाई person.abc ए बी सी है ना, तो देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। Not to define. ठीक है, हम देख रहे थे कि हमने कैसे कॉल करना है प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट मैप फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन के बीच। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना। अगर ऑब्जेक्ट के बिना हम कॉल ही नहीं कर सकते अपने जो प्रोटोटाइप वाला फंक्शन है,
जो मतलब प्राइवेट फंक्शन है प्रोटोटाइप, तो उसको हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल ही नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ यूज़ करके उस प्राइवेट फंक्शन को यूज़ कर लिया, कॉल कर लिया। हमने क्या किया, स्टैटिक फंक्शन बनाया, स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया पर्सन डॉट ए बी सी, कॉल को हमारा जंक कंट्रोल चला गया ए बी सी फंक्शन में। और इसमें हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर लिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम प्राइवेट किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं स्टैटिक फंक्शन यूज़ करके। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, प्राइवेट भी हो गया और पब्लिक भी हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है एक मैक्सिन, ठीक है मिक्सिन। तो मिक्सिन क्या होता है देखते हैं हम। तो जैसे हमने इसको रिमूव करता हूँ मैं, मिक्सिन क्या होता है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट, एक कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच हमने क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया, जे वाले फंक्शन बना लिए, ठीक है दो फंक्शन बना लिए, ठीक है जे हमने दो फंक्शन बना लिए। ये दोनों फंक्शन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं हम, ये दोनों फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं किसी क्लास के साथ। अगर ये दोनों फंक्शन को हम किसी क्लास के साथ यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना, जैसे ये मेरी पर्सनल क्लास है, इसके साथ हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन पर्सन, पर्सन हमारी क्या है, पर्सन हमारी क्लास है, जी हमारी पर्सन क्लास है, डॉट प्रोटोटाइप, डॉट प्रोटोटाइप आपको लिखना पड़ेगा कि उसमें डॉट प्रोटोटाइप, उसके बाद यूजफुल, यूजफुल क्या हमारा जी ऑब्जेक्ट है, ठीक है उसको साथ ऐसे कर दोगे इस तरह से, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, उसके बाद कॉमा लगा के अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दोगे, तो यूजफुल हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी इसमें फंक्शन लिखे होंगे, जितने भी इसमें प्रॉपर्टी लिखी होगी, वो जे वाली पर्सन क्लास यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास का, तो हमने सेव आई फंक्शन को कॉल कर लिया। हमने क्या किया, सेव आई फंक्शन को कॉल कर लिया। ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन यूजफुल एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। ठीक है, इसको भी देखते हैं, तो फिफ्थ लिखते हैं, सॉरी फोर्थ, ठीक है इसको किया सेव हमने, अब इसको रिलोड करते हैं, देखो बाय हो रहा है। अगर हमने क्या करना है, अगर हमने हमने से हाई भी कॉल करना है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो से हाय, ठीक है से हाय लिखा हमने, सेव किया, तो ये देखो से हाय भी कॉल हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, ऑब्जेक्ट के फंक्शन और प्रॉपर्टी को किसी भी क्लास के साथ ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि ये तो हम क्लास के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। पर इस तरह की आप, अगर आपको ये मतलब फंक्शन चाहते हैं जो कहीं और पे हैं, ठीक है आप एक क्लास में ऐड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वक्रा ऑब्जेक्ट बना के उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अगर आपने कोई दो ऑब्जेक्ट भी ऐड करने हैं, तो आप दो ऑब्जेक्ट का ऐड कर लो। ठीक है, जैसे हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, टू मिक्सिंग करते हैं अगर हम, तो हम क्या करते हैं, इसको यूजफुल टू कर लो। ठीक है, यूजफुल टू, इसको सेव आई, से हाई टू, सेव आई टू। ठीक है, अगर आप दो मैक्सिंग को, मिक्सिंग को भी ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो आप। ठीक है, सेम कॉपी किया। ठीक है, तो जहाँ पे हमने यूजफुल टू कर लेंगे, ठीक है जहाँ से हम कॉल कर लेंगे इस, ठीक है जहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू लिख देंगे, वाई टू सॉरी। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या कर देंगे, ठीक है इसको किया सेव, तो ये देखो। ठीक है, मतलब आप दो से तीन, चार से, एक से ज़्यादा मिक्सिंग को, अपने ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो किसी भी क्लास में। ठीक है, किसी भी क्लास के साथ ऐड कर सकते हो, जिस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो मेथड्स है, उसके जो फंक्शंस है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर एक क्लास तो आप एक ही एक्सटेंड कर सकते हो ना, क्लास आप क्या कर सकते हो, एक ही एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको और फंक्शनों की लोड है, और मेथड्स की लोड, और प्रॉपर्टी की लोड है, तो आप मिक्सिंग करके कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो समझ लग गया होगा, जो मिक्सिंग भी समझ लग गया होगा कि आपने ऐड कैसे करना, बस ये वाली स्टेटमेंट का ध्यान रखना, आपने जिस स्टेटमेंट ऐड करनी है और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, पर्सन जो भी क्लास है, डॉट प्रोटोटाइप, उसके साथ जो ऑब्जेक्ट ऐड करना है, उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डैट सेट। इस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो समझ लग गया होगा। तो फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।